बहुत समय पहले की बात है, सिंहगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में पूजा नाम की एक लड़की थी। उसकी आज ही शादी हुई थी। वह बहुत खुश थी। आज उसकी सुहागरात थी। वह अपने पति सूरज का इंतजार कर रही थी। बहुत रात हो गई, लेकिन उसका पति अभी तक नहीं आया था। वह सोच रही थी कि क्या बात हो गई, अभी तक सूरज आए नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद सूरज आया। उसकी आंखें लाल थी। आने के कुछ देर के बाद ही पूजा से बात किए बिना ही वह सो गया। पूजा को बहुत दुख हुआ कि उसके पति ने आने के बाद बात भी नहीं की। उसे ये सब अटपटा सा लग रहा था। कुछ देर के बाद वह भी सो गई। सुबह जब पूजा उठी तो देखा कि उसका पति सूरज बिस्तर पर नहीं था। उसने बहुत खोजा, पर सूरज कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ समय बाद उसकी सास रामकली उसके कमरे में आई। उसने अपनी सास से पूछा, सूरज कहाँ है? उसने बोला, सूरज बच्चा नहीं है, वह कहीं बाहर गया होगा। रामकली के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूजा हैरान थी। रामकली पूजा से बोली, घर में बहुत काम है, उसे जाकर खत्म करो। वह बिना कुछ बोले घर के काम में लग गई। रामकली का गांव में बहुत नाम था। वह बहुत पैसे वाली थी। उसके पास दो चीनी के कारखाने थे। गांव में 300 एकड़ जमीन भी थी। सूरज की माँ कोमल का बचपन में ही बीमारी के कारण देहांत हो गया था। सूरज के पिता अनिल सिंह थे। वह बहुत पैसे वाले थे। सूरज को माँ का प्यार मिले, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी रामकली से कर ली। शादी के बाद वह बच्चे की जिद करने लगी। रामकली बोली, मुझे अपना बच्चा चाहिए। रामकली सूरज के साथ प्यार का दिखावा कर रही थी ताकि वह अपना खुद का बच्चा कर सके। सूरज के पिता मान गए और 9 महीने बाद उसको एक लड़का हुआ। जब से वह माँ बनी थी, तब से हमेशा केवल अपने बेटे से ही प्यार करती थी। सूरज को हमेशा डांटती रहती थी। घर का सारा काम सूरज से ही करवाती थी। बच्चे बड़े होने लगे। रामकली का व्यवहार सूरज के पति बहुत खराब हो गया था। रामकली ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया, जबकि सूरज गांव में ही रहा। सूरज के पिता से यह सब देखा नहीं गया। सूरज के पिता ने सारी धन संपत्ति सूरज के नाम कर दिया। कुछ दिनों के बाद बीमारी के कारण सूरज के पिता भी नहीं रहे। रामकली को अब खुला छूट मिल गया और उसका व्यवहार सूरज के पति बहुत खराब हो गया। वह सूरज का सारा धन अपने नाम करवाना चाहती थी। पूजा रात को काम करके अपने कमरे में आई। उस समय भी सूरज अपने कमरे में नहीं था। वह उसका इंतजार करती रही। सूरज देर रात को घर आया और पहले की तरह ही सो गया। पूजा को यह सब बहुत अटपटा लग रहा था, इसलिए उसने सूरज सुबह सुबह कहा जाता है पता करने की सोची। सुबह जब सूरज उठा तो पूजा भी उसके पीछे चल दी। वह एक कमरे में गया जहां रामकली और एक डॉक्टर था। डॉक्टर ने सूरज को एक दवाई दी और रामकली से बोला, रोज इसे यह दवाई दो तो सूरज पागल हो जाएगा और कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। यह सब देखकर पूजा हैरान हो गई। उसे सब बात समझ आ गई। उसने छुपकर सूरज का इलाज करवाया और कुछ दिनों के बाद सूरज ठीक हो गया। उसने सारी बात सूरज को बता दी। जब सूरज ने रामकली को घर से निकालने की बात बोली, तो रामकली ने माफी मांगी और बोली, अब ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद पूजा और सूरज खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
घर में सभी बच्चों को एक समान प्यार करना चाहिए।